पति के साथ मारपीट करती थी ये हसीना, इस वजह से कैरियर भी हो गया था बर्बाद। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पर्दे पे खूब नाम और शोहरत हासिल की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। आज हम ऐसे ही एक एक्ट्रेस के बारे में बातें करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन आज वो गुमनाम है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म लैला मजनू में ऋषि कपूर के साथ नज़र आने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस रंजीता की, जिन्होंने पहली फिल्म से काफ़ी फेम पा लिया था। इसके बाद उन्होंने 70 से 80 के दशक में इंडस्ट्री पे खूब राज किया। फिर कैरियर में सफलता पाने के बाद रंजीता ने साल 1990 में राज मसंद के साथ शादी कर ली, जो कि एक बिजनेसमैन थे। शादी के बाद ये कपल एक बेटे के पेरेंट्स बने और धीरे धीरे एक्ट्रेस अपनी फैमिली लाइफ में खुश रहने लगी। कहा जाता है कि शादी के बाद रंजीता को जो भी फिल्में ऑफर हुई उसमें उन्होंने बोल्ड सीन देने से इनकार कर दिया, और यही वजह थी कि धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। रंजीता को लेकर बॉलीवुड में एक खबर अक्सर सुनने को मिलती थी कि वो काफ़ी गर्म मिजाज की महिला थी, लेकिन ये बात तब साबित हुई जब एक्ट्रेस के पति राज मसंद ने उनके खिलाफ मारपीट की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। खबरों की माने तो रंजीता अपने पति से इतनी लड़ाई करती थी कि वो उन्हें बालकनी से धक्का देने की कोशिश भी की थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने खुद भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिर जब ये मामला पुलिस में पहुंचा तो एक्ट्रेस ने अपनी गलती मान ली और इसके बाद उनके रिश्ते पति के साथ सुधर गए। आज की रिपोर्ट्स की माने तो इन दिनों रंजीता अपने पति और अपने बेटे के साथ अमेरिका में रह रही हैं।